प्रणाम दीदी। हम आज आप लोगों को सहजन के पत्ता पर विशेष रूप से आज हम आप लोगों को एक ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं कि सहजन के पत्ता से क्या क्या फायदा है। ठीक है भैया, तो आप सब बताइए, हम लोग जो सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है दीदी। हम सबसे पहले हम अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रभात रंजन भारती, हम आनंद जीओ के विद्यार्थी हैं और मेरा घर लगमा और प्रथम चौथम। दीदी आप लोग भी अपना अपना परिचय दे दीजिए। तीन सभी दीदी भैया को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रानी भारती है, मैं ठुठी मानपुर क्लस्टर में एचएम के रूप में काम कर रही हूँ और मैं भवानी जीविका स्वयं सहायता से मैं सदस्य हूँ और रोशनी ग्राम संगठन से मैं सदस्य हूँ। सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुमारी मीतू राज है, मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। सीता समूह से मैं सहेली पद पर जीविका में काम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरी नाम प्रतिमा कुमारी है, मेरा घर रोयर बंगलिया है, मैं रोशन जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ एवं मौसम जीविका ग्राम संगठन की सदस्य हूँ एवं जीविका सहेली के पद पर काम कर रही हूँ रोयर पंचायत। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम है पूनम कुमारी, मैं लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, खुशबू बीओ की सदस्य हूँ, सहेली पद पर काम करती हूँ। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम है अभिलाषा कुमारी रुई, जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, आंचल जीविका आंचल ग्राम संगठन की सदस्य हूँ, सहेली की जीविका सहेली के रूप में काम करती हूँ। ठीक है भैया, अब तो हम लोग परिचय दे ही दिए, आपसे भी परिचय जान ही गए और आप जो आए हम लोग को सज्जन के विषय में बताने के लिए, अब हम लोग को बताइए कि उससे क्या क्या हम लोग को फायदा है, क्योंकि सज्जन तो हम लोग के यहाँ भी होता है, हम लोग को भी जानकारी होगा, उससे हम लोग को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, तब तो हम लोग भी उसका उपयोग कर सकेंगे। दीदी सहजन को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे मुनगा और मरुंगा, कहीं मरुंगा भी कहते हैं, कहीं मुनगा भी कहते हैं, कहीं सहजन भी कहते हैं और जैसे आप लोग कहते हैं सजवन, जो देहाती ठेठी भाषा में है, तो इस प्रकार कई नाम इनका है। सहजन एक ऐसा पेड़ है दीदी जो करोड़ों लोगों की जीवन रक्षा करता है और ये सहजन हमारे 300 बीमारियों से बचाता है। जो हमारे इस देश में 300 बीमारियां से हमें ये रक्षा कर सकता है, ये ऐसा यह पेड़ है जिसे कि हम लोग उसको कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे बेकार पड़ा हुआ है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, सहजन ऐसा गुणकारी है जो 300 बीमारी से दूर रखेंगे। हाँ दीदी, आई तो सहजन का पेड़ तो घर घर ही है, मेरे भी आंगन में 3 पेड़ है। अच्छा, इसका उपयोग कोई नहीं करते हैं, यही तो कमी है दीदी। क्या इसी के लिए तो हम आए हैं बताने के लिए। क्या है कमी भैया, हमको जानकारी, यही जानकारी की कमी है और आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आप उनको हो सकता है तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए। ठीक है भैया, आप जानकारी दीजिए और हम लोग सीखेंगे और बताएंगे सबको। ठीक है, जानती है दीदी एक शोध में ये सहजन का एक छोटी सी पत्ती में कितना बड़ा गुण है, जो कि एक नींबू में जितना विटामिन सी पाया जाता है उससे 7 गुना ज्यादा विटामिन सी यह सहजन की छोटी सी पत्ती। 7 गुना है, 7 गुना। और ये भी और जान लीजिए दीदी, एक गाजर जो है, हाँ, उसमें जितना विटामिन ए है उससे 4 गुना ज्यादा विटामिन ए इस सहजन की छोटी सी पत्ती में। अब बताइए कि कितना ज्यादा उसमें विटामिन पाया जाता है। बहुत ज्यादा है। और अभी तो मैं 2 ही बताया हूँ और तीसरा, और ये जान लीजिए दूध,
दूध को आप लोग बहुत अच्छे मानते हैं ना? हाँ। भाई दूध में बहुत विटामिन होता है, लेकिन उस दूध में जितना कैल्शियम पाया जाता है उससे चार गुना ज्यादा इस सहजन की पत्ती में दूध कैल्शियम होता है। जी, यानी कैल्शियम जो दूध में पाया जाता है तो मान के चलिए अगर एक गुना है तो इसमें चार गुना ज्यादा है। तथा केला से तीन गुना अधिक पोटेशियम इस सहजन की पत्ती में। इतना ज्यादा होता है भैया? जी भैया, हमको तो मालूम ही नहीं था। इसमें तो चार प्रकार का विटामिन आपने बता दिए भैया, लेकिन कई गुना ज्यादा इसमें आप बता दिए, तो हम जानने के लिए और भी उत्सुक रहेंगे। हाँ, हम जान सके इसमें क्या क्या गुण है इसका, क्या क्या विटामिन है इसमें। हाँ दीदी, अब देखिए कि चार विटामिन बताए लेकिन उसमें भी कई गुण ज्यादा आपको बताया। हाँ भैया, और मैं इससे के बाद भी और मैं बता रहा हूँ कि क्या गुण है। जानते हैं दीदी, यह अलग अलग बीमारियों में भी ये रक्षा करता है। का है यह आप देखते होंगे कि कहीं भी यह पौधा लगा हुआ है और उसमें कोई सा खाद नहीं दिया जाता, मतलब इसको कोई देखने वाला ही नहीं है, सिर्फ ये ऐसे उग जाते हैं और ये फलना शुरू हो जाता है। इसमें कोई ना खाद ना कोई कीटनाशक दवाई डालते, जिसके कारण आपको रोग से भी बचाता है। जैसे आप अनाज खाते हैं उसमें खाद डाला हुआ है, कीटनाशक दवाई डाला हुआ है, जिसके कारण आपके पास रोग भी पैदा होता है, लेकिन इसमें कोई सा खाद नहीं, कोई सा कीटनाशक नहीं, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य ऐसे भी स्वस्थ रहे। यह एक ऐसा पौधा है दीदी जो सभी भागों का इस्तेमाल किया जाता है, सभी भागों का इस्तेमाल कर करके हम फायदा ले सकते हैं। भैया पहले तो इस सजमन का फल जो होता था तो वही फले का इस्तेमाल हम लोग करते थे, फले का जो होता था सब्जी बनाकर खाते थे, लेकिन अभी जो सजमन का पत्ता जो होता है, पत्ता छिलका, ये तो हम खाते ही नहीं थे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसका सभी गुणों का विटामिन होता है, लेकिन हम तो पहले जानते ही नहीं थे। अब जानेंगे तो हम इसका उपयोग करेंगे। बस यही जान ली थी दीदी, कोई भी भाग इसका बेकार नहीं जाता। ठीक है भैया। जानते हैं दीदी, पत्ते और टहनियों में इतना ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जिसका की दवाई बनता है। अच्छा भैया, इसमें इतना तत्व पाए जाते हैं? जी दीदी, और इसका फूल जो दीदी है उसका हम लोग उपयोग हमारे पेट की बीमारियों को दूर करने में उपयोग होता है। अच्छा, गुणकारी है। जी दीदी, और जानते हैं दीदी, जैसे आप फल खाते होंगे और खाते खाते जो है अंतिम में वो पक जाता होगा, उसमें बीज हो जाता है, तो जिसका आप लोग उपयोग कभी नहीं किए होंगे, लेकिन नहीं दीदी, उस बीज का भी उपयोग होता है। उस बीज को जब आप पाउडर बना करके और पानी में डालिएगा तो वह पानी शुद्ध हो जाता है। जी भाई दीदी, और जानते हैं दीदी एक चीज और आश्चर्यजनक वाली बात मैं बताता हूँ। क्या चीज है भैया? जो उसमें एक तना में या जड़ में गोंद निकलता होगा, देखे हैं जी भैया, लेकिन उसका उपयोग कभी आप लोग नहीं किए? नहीं करते हैं। लेकिन बहुत गुणकारी है दीदी, उसका दवाई भी बनता है। और एक चीज और जान लीजिए दीदी, कि उनका पत्ता तो कच्चा में आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं सूखा में भी, इसको सूखा करके भी एक ऐसा दवाई बनता है जो कि एक पाउडर बना करके आप वैसे बच्चे को आप दे सकते हैं, उपयोग करा सकते हैं, जो कि कुपोषित है। हाँ, जैसे बच्चे को देखते होंगे दीदी, कम वजन हो जाता है, कुपोषित के कारण होता है, तो उस बच्चे को उसका इस्तेमाल अगर कराते हैं तो 50% उसका वजन बढ़ सकता है। अच्छा, जिस बच्चे का वजन कम हो गया बढ़ जाएगा। जी दीदी, अगर इसका उपयोग आप सूखे पत्ते है ना, उसको आप पाउडर बना लीजिए और उसका इस्तेमाल आप उस कमजोर बच्चे यानी कि कुपोषित बच्चे को करवाएं,
उसका वजन 50%। ठीक है भैया, तो इस्तेमाल करना चाहिए। और तो और दीदी, खास करके उन महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ जो गर्भवती महिला को खून की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, उसको उसकी पूरा करने के लिए हमें इस सहजन की पत्ते की उपयोग करना होगा, तब उस खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। और तो और दीदी, ये धात्री महिला को जो दूध की कमी होती है, उस दूध की पूर्ति के लिए भी ये सहजन की पत्ते बहुत उपयोगी है। सहजन में दूध भी होता जी दीदी, जो धात्री महिला को, जिस धात्री महिला को दूध की कमी हो जाती है ना, बच्चों को पिलाने के लिए ऊपरी दूध पिलाते हैं, लेकिन नहीं दीदी, वैसा नहीं करना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है, इस सहजन के पत्ते से, जिससे कि उसका दूध उतर आएगा। अब देखिए कितना गुणकारी है दीदी, सब तो के विषय में लोगों को मालूम हो नहीं था। हाँ दीदी, अब तो जानकारी आप दे दिए, बहुत अच्छा से जानकारी दे रहे भैया। और जानते हैं दीदी, ये दमा, खून साफ करने और चर्म रोग एवं ब्लड प्रेशर में, इन सभी बीमारी में इसका इस्तेमाल करने के बाद 100% फायदा हुआ दीदी। 100% फायदा जी दीदी। अच्छा भैया, आप तो बहुत अच्छे तरह से बता दिए। क्या हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका उपयोग जो है और किसी और तरीका से हो सकता है? हाँ दीदी। कैसे हो सकता है भैया? मैं बताता हूँ दीदी, हम लोग इसका इस्तेमाल रोजाना का भी कर सकते हैं। जैसे उनका पत्ता को, सहजन के पत्ता को लेकर के, और जब दाल दिए और उसमें वो पत्ते को आप डाल दीजिए, हरी पत्ते को जी, तो वो जो है मतलब कि हरा सब्जी भी हो गया और इसका गुण भी उसमें चला गया। अच्छा भैया, और दूसरा, अच्छा भैया, हम कुछ सवाल करना चाहते हैं जी दीदी। एक ही बताइए, ठीक सुनने में आया है कि सहजन के पत्ते को थोड़ा मतलब हल्का गर्म करने के बाद जो है उसको उसमें दाल में देकर बनाने से वो भी स्वादिष्ट लगता है। हाँ दीदी। उससे अगर उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा? नहीं दीदी, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं दाल में भी आप बना सकते हैं और उसका उपयोग कीजिए। दूसरी बात कि जैसे रोटी बनाना है तो रोटी में भी उस पत्ते को डाल करके, और नमक और ये प्याज मिर्च डाल करके और गोंद करके और उसका रोटी बना करके आप खाइए, बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा और फिर उसका जो विटामिन है वो भी आपके शरीर में जाएंगे। रोटी में जैसे परोठा बनाता है उसी तरह ना? जी जी, तो इसी प्रकार रोजाना का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा का बात भैया, आप तो और भी विधि बता दी है उसका उपयोग करने के लिए, बहुत अच्छा बात हुआ है। ठीक, अच्छा दीदी, अब तो हम सारी बातों को आप लोगों को बता दिया दीदी, लेकिन इस बातों को सुनने के लिए आप लोग बड़ी ध्यान से और बहुत अच्छा समय दिया दीदी, इस समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, तो हम चलते हैं।